नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्किटेक्ट लोकेश देशमुख। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउस प्लानिंग नंबर 31। इट्स साइज 32 फीट एंड 49 फीट। इट्स टोटल एरिया 1568 स्क्वायर फीट। इट इज़ कवर्ड फ्रॉम टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु, बट इट्स इट विल बी लिटिल चेंजेस अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आप जब भी घर बनाएं तो किसी आर्किटेक्ट या इंजीनियर के परामर्श से ही आप उसका नक्शा बनाएं और उसी के हिसाब से आप घर का पूरा काम करवाएं। क्योंकि घर का नक्शा कोई भी बना लेता है, लेकिन उसमें जो प्रॉपर कनेक्टिविटी, उसका वेंटिलेशन, उसकी लाइटिंग, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और नक्शे के अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट ड्राॅइंग होती है, जैसे कॉलम लेआउट, इलेक्ट्रिकल लेआउट, प्लम्बिंग लेआउट, डोर विंडो शेड्यूल, स्ट्रक्चर डिटेल्स, आर्किटेक्चरल ड्राॅइंग्स, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रंट साइज ऑफ प्लॉट 32 फीट एंड प्लॉट डेप्थ इज 49 फीट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। नंबर वन पे बात करते हैं स्टेयर्स। ये एंट्रेंस भी है और स्टेयर्स भी है, कॉमन स्टेयर्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं ड्राइंग रूम, जिसका साइज है 15 फीट बाई 14 फीट 4 इंच। इससे अटैच है पूजा रूम, 9 फीट बाई 8 फीट 3 इंच तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे बात करते हैं वॉश एरिया, 7 फीट 6 इंच बाई 5 फीट। ये किचन का वॉश एरिया है, इसे लगा हुआ है किचन है। किचन का साइज़ है 15 फीट बाई 16 फीट 4 इंच। ये किचन प्लस डाइनिंग है। इससे अटैच एक बेडरूम है, बेडरूम नंबर 3 छठवें नंबर पे, जिसका साइज़ है 15 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 6 इंच। इससे अटैच टॉयलेट है, जिसका साइज़ है 8 फीट बाई 4 फीट 6 इंच। इसके बाद सातवें नंबर पे बात करते हैं बेडरूम नंबर 2, जिसका साइज़ है 15 फीट 4 इंच बाई 11 फीट 6 इंच। इसमें एक कॉमन टॉयलेट है, जिसका साइज़ है 11 फीट 4 इंच बाई 4 फीट 6 इंच। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी यूरिनल, इंडियन टॉयलेट, डब्ल्यूसी और सावर एरिया की, तो इसका साइज़ बड़ा रखा गया था। उसके बाद आठवें नंबर पर बात करते हैं 15 फीट बाई 11 फीट 6 इंच का बेडरूम नंबर 1। ये भी एक मास्टर बेडरूम कह सकते हैं। इसके साथ अटैच टॉयलेट है, जिसका साइज़ है 8 फीट बाई 4 फीट 6 इंच। पीछे साइड ओपन एरिया है, जैसा कि आपको बताया था, ये टू साइड से कवर्ड है, मतलब आजू बाजू से कवर्ड है, तो पीछे साइड ओपन एरिया है, जिसमें 5 फीट का वाइड गार्डन है और पीछे और भी इनके पास ओपन जगह है। उसके बाद सेम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, तो जो ड्राइंग रूम है सेकेंड नंबर पे, ये कटआउट्स है और पूजा रूम पे भी कटआउट है, ओपन एरिया पे भी कटआउट है, मतलब इसका जो हॉल है वो डबल हाइटेड है। स्टेयर से ऊपर आते हैं तो 4 फीट की लॉबी के साथ में किचन में एंट्रेंस करते हैं, और सेम जो ग्राउंड फ्लोर पे प्लान रिपीट थे वही फर्स्ट फ्लोर पे रिपीट होते हैं। पीछे साइड में दोनों बेडरूम्स के लिए कॉमन बालकनी दी है, जो 5 फीट चौड़ी है। तो दोस्तों, प्लानिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर हमसे प्लानिंग करवा सकते हैं।